हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन्हें देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी भारत से संबंधित जो सामान्य ज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन सभी को देख लिया था। विश्व से संबंधित सामान्य ज्ञान के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये इस लेक्चर में बात करेंगे। याद रखिए, आपके जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ख़त्म कर रहे हैं वो सभी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पांच। ठीक है, याद रखना है, पृथ्वी पर कुल पांच महासागर हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आपके सात महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर आपके सात महाद्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? तो याद रखना है आपको, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। कौन सा? डी ऑप्शन सही है, एशिया। क्वेश्चन है चार, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखना, तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है पांच, क्वेश्चन है आपका पांचवा, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखना, रूस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सिक्स, क्या है क्वेश्चन छठवा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है विश्व का? तो याद रखना, मेजर यूरी गागरीन। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखना है आपको, यह संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आठ, क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखना, नील आर्मस्ट्रांग। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका नौ, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखना, राइट बंधु। बी ऑप्शन ये राइट। ठीक है, क्वेश्चन है आपका दस, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है आपका चीन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका ग्यारह, क्या है क्वेश्चन नंबर ग्यारह, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, तो याद रखना, सनातन धर्म। क्या है? सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन है बारह, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो याद रखना, हिरोशिमा जापान का है। ठीक है, ये सही। क्वेश्चन है तेरह, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो आपको बता देना है, चीन। क्या है? डी ऑप्शन सही है, चीन। क्वेश्चन है चौदह, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडार नायके, श्रीलंका की थी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका पंद्रह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया है। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन सोलह, क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसमें आपका है क्या होगा, टोक्यो। क्या है? टोक्यो। बी ऑप्शन सही है। याद रखिए, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर आपका टोक्यो है। ठीक है, क्वेश्चन है सत्रह, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है अठारह,
विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखना, रूस। रूस बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 19, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखना है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 20, विश्व का पहला बांध कौन, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये भव्य बांध। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 21, क्या है 21, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो आपको बता देना है, भारत, इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन है 22, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बड़ा महाकाव्य है आपका महाभारत। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 23, विश्व में सबसे बड़ा बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 24, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका भूमध्य सागर, द्वीप समुद्र। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 25, विश्व की उच्चतम पर्वत, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, सिक्किम में, सॉरी नेपाल में। ठीक है, सिक्किम से लगा हुआ है नेपाल। क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन है आपका 26, क्या है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखना, प्रशांत महासागर। जो जितना शांत होता है उतना बड़ा होता है, जो जितना बड़ा होता है उतना ही शांत होता है, प्रशांत महासागर। ठीक है, क्वेश्चन है 27, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो याद रखना, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 27, 28 सॉरी, विश्व में सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो याद रखना, गोरखपुर। सी ऑप्शन इज राइट, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन है 28, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये याद रखना, चीन। भारत आपका सेकंड नंबर पर है। क्वेश्चन है 30, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना, नील नदी। क्या है? नील नदी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 31, सॉरी 31, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो याद रखना, नॉर्वे सुरंग। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 32, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ये आपकी चीन की महान दीवार। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 33, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? तो याद रखना, यह है वेनेजुएला। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 34, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है? तो याद रखना, न्यू मैक्सिको में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 35, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो है शुतुरमुर्ग। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 36, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो याद रखना, ये है आपका गुनगुना पक्षी। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन आपका 37, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक हैं? विश्व स्वास्थ्य WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये हेड हैं इसकी, याद रखना, टेड्रोस एडहेनम। ठीक है, अभी 2020 की बात कर रहा हूँ, और इस समय टेड्रोस
एडेनम, याद रखना, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जो स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है आपका 38, क्या है 38, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये याद रखना, ये मनाया जाता है आपका 8 मई को। सी ऑप्शन सही है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन है आपका 39, उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई 1946 में भंग कर दी गई। तो ये थी आपकी लीग ऑफ नेशंस, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 40, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, क्या है 21 मार्च को, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 41, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना, विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन है 42, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? महाबोधि, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 43, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 48, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 45, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो याद रखना, अफ्रीका में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 46, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना, जर्मनी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 47, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना, चीन, क्या है, विश्व में कोयला का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 48, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा विटुमिनस कोयला होता है? तो याद रखना, 80%, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 49, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना, जायरे, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन 50, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना, कनाडा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 51, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है? तो याद रखना, अमेरिका, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 52, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका, क्या है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 53, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? मैक्सिको, ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 54, विश्व में कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो याद रखना, मलेशिया, डी ऑप्शन इज राइट, सही है। ठीक है, क्वेश्चन है 55, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो याद रखना, मलेशिया। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 56, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह है आपका यूक्रेन, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 57, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, डी ऑप्शन सही है। विश्व में स्वच्छ जल की
मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। क्वेश्चन है आपका 58, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ स्थित है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 59, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? यह उत्तरी सागर में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 60, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है? तो याद रखना ग्रैंड बैंक। याद रखिए आप ये जितने भी हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं इनकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, ठीक है, वहाँ से देखते रहना। क्वेश्चन है आपका 61, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना जंजीबार, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका क्या है 62, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 64, विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 65, क्या है 65, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका चीन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 66, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ग्वाटेमाला, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 67, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान, बी ऑप्शन सही है। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश में होता है अफगानिस्तान। क्वेश्चन है 68, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो ये होता है रूस में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 69, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखना इटली, इटली में सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन होता है। क्वेश्चन है 70, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? फ्रांस में, कहाँ? फ्रांस में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो याद रखना भारत, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 72, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? भारत का, ठीक है। क्वेश्चन है 73, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? यह है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 74, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो याद रखना भारत में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 75, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है? तो याद रखना चीन, क्या है? चीन। क्वेश्चन है 76, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 77, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह है साओ पालो, ठीक है। क्वेश्चन है 78, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखना चीन, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 79, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है आपका फिलीपींस में, कहाँ? फिलीपींस में, ठीक। क्वेश्चन है आपका 80, विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, विश्व में चाय का सबसे उत्पादन अधिक उत्पादन करता है भारत, डी ऑप्शन
सही है, ठीक। 81, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है, तो चीन। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 82, विश्व में प्रसिद्ध ओलंग किस्म की चाय किस देश में होती है? ताइवान। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 83, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो याद रखना चीन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 85, सर्वप्रथम कृषि विदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हेटलसी ने, ठीक है, डी हेटलसी। क्वेश्चन है आपका 86, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 87, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? टैगा प्रदेश में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 88, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती हैं? तो ये पेरी प्रदेश में। बी ऑप्शन सही है आपका। 89, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है? सहारातुल प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 90, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में है? तो यह उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 91, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो यह है आपका टैगा प्रदेश में। ए ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन सही है, टैगा प्रदेश। क्वेश्चन है आपका 92, विश्व में प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो ये थे हरबर्टसन, हरबर्टसन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 93, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो याद रखना पर्वतीय प्रदेश में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 94, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो 1/5। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 95, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये साइबेरिया। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 96, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है? विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है, तो यह आपका रोटरडम, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से विश्व का कहवा पतन कहते हैं, किसे कहते हैं? सेंटोस को, ठीक है, विश्व का कहवा पतन कहते हैं सेंटोस को। क्वेश्चन है आपका 98, सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो यह याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा स्थल रुद्ध देश स्थित हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 99, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 100, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है राइन नदी। चलिए, तो ये 100 क्वेश्चन थे हमारे विश्व से संबंधित सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आगे 101 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।